गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जीके में अब तक हम 6 चैप्टर्स तक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। ये मैं आपको चैप्टर नंबर 7 जो है वो बहुत ही छोटा सा है, इसीलिए इसके साथ 8 भी करवा रही हूँ। तो ध्यान से आप लोग सुनेंगे और समझेंगे। चैप्टर नंबर 7 जो है वो है गुड स्पोर्ट्स, यानी कुछ स्पोर्ट्स के बारे में इसमें आपको बताया गया है। लुक एट दीज सिंबल्स ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट्स, कैन यू आइडेंटिफाई देम, राइट द करेक्ट नेम बिलो ईच पिक्चर। आपको कुछ डिफरेंट स्पोर्ट्स के सिंबल्स दिखाए जा रहे हैं, आपको इनको पहचान कर इनके नाम बताने हैं। अब देखिए, नंबर 1 पर जो ए है पिक्चर, ये वाली आपको दिखाई दे रही है, ये है हाई जंप। और नंबर 2 ये वाली पिक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है शॉर्ट पुट। सी पर आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये है लॉन्ग जंप। एंड नेक्स्ट ये है फेंसिंग। नेक्स्ट ये रिले रेस। और नंबर एफ पर है बास्केटबॉल, और जी पर है जेवलिन थ्रो। तो बच्चों, ये मैंने आपको इसमें इनके नाम बताए हैं। आगे मैं आपको ये इसका वर्क दे रही हूँ, वो आप नीटली अपनी कॉपी में कर लेंगे। अब नेक्स्ट शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 8, मैजिक शो। बच्चों, आप लोग कार्टून्स तो बहुत देखते होंगे, इसमें डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स आपको दिखाई जाते हैं, आपको पता भी होगा कुछ के बारे में। तो इसमें आज आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। रीड ईच डिस्क्रिप्शन, लुक एट द पिक्चर, देन फिल इन द नेम ऑफ दीज पॉपुलर कैरेक्टर्स ऑफ टाइप्स ऑफ स्टोरीज। कि आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है, तो आपको इन पॉपुलर कैरेक्टर्स के नाम बताने हैं। नंबर 1 पर, अ गुड स्पिरिट विद विंग्स विच हेल्प्स पीपल, स्टोरीज विद दीज क्रिएचर्स आर कॉल्ड ब्लैंक टेल्स। ये अच्छी आत्मा के रूप में फेमस है, जिसके कि पंख होते हैं और जो लोगों की हेल्प करती है, और इसीलिए इसकी कहानियों को क्या कहा जाता है, फेरी टेल्स, यानी परियों की कहानी। नंबर 2, यूजुअली ओल्ड एंड अगली, दिस क्रिएचर कॉल्ड अ ब्लैंक फ्लाइज ऑन अ ब्रूम एंड कास्ट स्पेल्स। आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये जो कैरेक्टर दिखाया गया है उसके हाथ में क्या है, झाड़ू। ये बहुत ही बुढ़ी सी और बदसूरत सी कैरेक्टर है, और इसके हाथ में झाड़ू होती है और ये जादू टोना करती है। इसे कहा जाता है विच, WITCH, यानी डायन। नंबर 3, आपने अलादीन और उसकी चिराग की कहानी तो सुनी है। दिस स्पिरिट कैन मेक विशेज कम ट्रू, इट केम आउट ऑफ अ लैम्प टू हेल्प अलादीन, इट्स कॉल्ड अ। ये जो आत्मा है वो अलादीन की इच्छाओं को पूरा कर देती है। ये अलादीन के पास एक लैम्प है, उसमें से ये निकलती है। इस आत्मा को क्या कहा जाता है, जिनी। नंबर 4, नाइट्स यूज टू फाइट मी, आई ब्रेक आउट फायर, आई एम अ, यानी बहादुर लोग मुझसे लड़ना पसंद करते हैं, मैं अपने मुंह से आग निकालता हूँ, मैं कौन हूँ, ड्रैगन यानी अजगर। नेक्स्ट नंबर 5, दिस बैड मैन कॉजेज टेरर ऑन द हाई सीज, ही स्टील्स फ्रॉम शिप्स, ही इज अ ब्लैंक। यह बहुत ही बुरा आदमी होता है, जिसके कारण कि समुद्रों में डर छाया रहता है, और यह जहाजों के जहाज चुरा लेता है। इसे का क्या कहा जाता है, पायरेट, यानी समुद्री डाकू। नंबर 6, दिस हॉर्स विद अ सिंगल हॉर्न इज द लीजेंड्री, यह जो घोड़ा है अपने एक सींग के कारण बहुत ही फेमस है, इसे क्या कहा गया है, यूनिकॉर्न। नंबर 7, आई ऑल्सो कास्ट स्पेल्स एंड मेक पोशंस लाइक अ विच, आई एम अ ब्लैंक। मैं क्या करती हूँ, मैंने
मंत्र भी पढ़े हैं, मैं जादू से दवाइयाँ भी बनाती हूँ, मैं कौन हूँ? विजार्ड यानी जादूगर। नंबर एक, आई एम फ्रॉम एंशियंट इजिप्ट, पीपल रैप मी अप टू प्रिजर्व मी, आई एम अ ब्लैंक, मैं प्राचीन मिश्र से हूँ, लोग मुझे सुरक्षित रखने के लिए लपेट कर रख देते हैं, मैं कौन हूँ? मम्मी। आप लोगों ने अभी सुना भी होगा, आपने एल्बर्ट हॉल में भी एक मम्मी रखी हुई है, यानी कि पुराने टाइप को उसको सेव करके रखा जाता है इस तरह से दवाइयाँ वगैरह लगाकर। ठीक है, आपने इस चैप्टर में डिफरेंट कैरेक्टर्स को पढ़ा, अब आगे मैं इसका वर्क आपको भेज रही हूँ, इसे नीटली अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।